दुनिया का पहला एटॉमिक बम एक्सपेरिमेंट 16 जुलाई 1945 को न्यू मेक्सिको के ट्रिनिटी सेंटर पे हुआ था। तब ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था जिससे 11 किलोमीटर लंबा एक मशरूम की तरह क्लाउड फॉर्म हुआ था, जिसे देखकर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है, वो कहता है कि मुझे इस एक्सप्लोजन को देखकर हिंदू धर्म के भागवत गीता का 11वें अध्याय का 32वां श्लोक याद आ रहा है, जिसमें भगवान विष्णु अपना विराट रूप धारण करके अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कालो अस्मि लोकाक्षय प्रवृत्तो लोकात्मा अर्थमि प्रवृत्त, अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं समस्त लोगों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ। फ्रेंड्स, चलिए अब रॉबर्ट के फ्लैश बैक में चलते हैं। तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में हुआ था और ये बचपन से ही क्यूरियस बॉय थे, क्योंकि इन्होंने थर्ड और फोर्थ क्लास की स्टडीज को सिर्फ 21 साल में पूरा कर लिया था और यहाँ तक कि इन्होंने 8th स्टैंडर्ड की स्टडीज को सिर्फ आधे साल में ही कंप्लीट भी कर लिया था। 18 साल की उम्र में ये न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल क्लब में लेक्चर चुने गए थे और इन्होंने ये बताया कि हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर जब उन्होंने मिस्टिकल वर्ल्ड में अपना कदम रखा तो हिंदू मैथोलॉजी के हिंदू टेक्स्ट को समझने के लिए उनके संस्कृत प्रोफेसर W. राइडर ने उन्हें श्रीमद भागवत गीता पढ़ने की सलाह दी, जिससे वह काफी इंस्पायर्ड हुए।